जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। अभी मैं थोड़ी तैयार हो गई, थोड़ा और कुछ पहनना है और बच्चे भी तैयार हैं। घर का काम करते करते घोटा है, बस का टाइम हो चुका है और अब हम जा रहे हैं कहीं पे। आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। कहाँ जा रहे हैं? शादी में जा रहे हैं वैसे तो, और हो सका तो शादी का चीज कुछ बताऊंगी मैं। वैसे हम विदिशा जा रहे हैं और विदिशा में हो सका तो, क्योंकि विदिशा में किसी किसी को मेरे ब्लॉक से बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत परेशानी है कि हमें ब्लॉक में मत लो, हमें ब्लॉक में मत लो। तो देखते हैं ब्लॉक में शादी में ले पाती हूँ या नहीं ले पाती। आप लोग ब्लॉक के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो फिलहाल मैं जो थोड़ा बहुत काम रह गया है, थोड़ा सा पहनना है, एक मंगलसूत्र और नहीं पहना, वो तो मैंने आपको ब्लॉग शुरू किया तब देखा, और आज मैंने सीधी मांग की ये वाली चोटी की है, क्योंकि गर्मी रहती है, हवा हवा चलती है, इसलिए बाल उड़ते हैं, मैं भूतों की तरह हो जाती हूँ, इसलिए मैंने ये वाली चोटी करी है ताकि बाल बने रहें। और वैसे उल्टी आती है बस में तो मुझे क्या हाल होना है मेरे, मुझे पता नहीं। तो फिलहाल अपन अच्छा ही सोच के चलते हैं। ऊपर जाना है मुझे, ऊपर का घर का थोड़ा सा काम रह गया है वो करके, और फिर मैं नीचे आती हूँ। बच्चे गए दो दो जगह के कन्या भोजन करने के लिए, जाते जाते भी तो ठीक है, आ जान देते हैं उन्हें। और मैं अब तक रेडी होके कंप्लीट फिर आती हूँ ब्लॉग में और चलते हैं अपन, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और उन्हें फोन करके बुलाती हूँ। हम रेडी और जा रहे हैं, तैयार हैं चुके हैं कन्या भोजन करके। और इसको देखो वजन, खुद से वजन से ज्यादा वजन संभाल रहे हैं, लोग जा रहे हैं। बाय भाई, यू बाय, चलो चलो चले, ताला लगा दिया भाई, बस स्टैंड पे मिलेंगे। बहुत तेज हो रही है और हम बस तो मिल गई, अब 1 बजे जाएगी वो। ये देखो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, क्यों मजा आ रहा है गर्मी का, पसीना छूट रहा है बहुत, और ऊपर से तेरी पहनी आई मैं, क्योंकि वहाँ पे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा इस वजह से, और पता नहीं हो ही चुके हैं, मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैं हैवी साड़ी पहन के आई। चलिए बस इतनी देर में गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है ना, मिल गई तनिष्क को, बोरी पे बैठा है ना, पसीना आ रहा, हवा गाड़ी चल रही है, अब हवा आएगी। आ गए हैं, अब घर जाते हैं, फिर जैसा भी होगा हम आपको ब्लॉक में लेंगे। अभी फिलहाल हम घर पहुँचते हैं, सामान रख भी नहीं घर से, शादी वाले घर आ गए हैं हम, और मैं सिर्फ अपने आप को ही ले रही हूँ, और लावण्या उधर खेल रही है, बाकी सारा कार्यक्रम चल रहा है, चल रहा है कार्यक्रम, और मैं यहाँ घर में ही हूँ। अभी हो सका तो मुझे बाहर जाना है, लावण्या में और अमर के साथ हम 3-4 बजे जाएंगे, फिर वहाँ कहाँ जाएंगे आप लोगों को बताएंगे। आए विदिशा में, आपको पहले ही बताया था, और मैं आपको ये दुल्हन से मिलवाती हूँ, जल्दी लग चुकी है और अपनी पेट पूजा में लगी हुई है। अभी मैंने कहा था नाश्ता करने की, मगर उसने नाश्ता की मना कर दी, और अब देखो पपड़ी खा रही है, क्या खा रही हो, पूड़ी खा रही है, और वो मैं आपको मिलवाती हूँ कौन है। और कमेंट्स भी आई थी, रेखा पंथी को पहचानते हो क्या, मैंने कहा हाँ पहचानते हैं, आपको मैं मिलवाती हूँ। तो ये हमारी मामा की लड़की दुल्हन, आप लोग मिल सकते हो। मुंह भरा हुआ क्योंकि खाने से, ये दुल्हन है और इन्हीं की शादी है, और ये खा रही है अकेला अकेला, आप लोगों से भी नहीं पूछ रही। अनुभव बताओ, शादी में हल्दी लगी है, कैसा लग रहा है? बहुत अजीब सा। ठीक है, बधाई हो आपको, थैंक यू। तो अभी सिर्फ हल्दी लगी हुई है, और भी कार्यक्रम होंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी मैंने जो कुछ कुछ कार्यक्रम हो चुके हैं उसमें मैं शामिल नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि मैं लेट हो गई थी घर से ही आने में, माता पूज गई और मंडप का बहुत सारा कार्यक्रम हो चुका है। लेकिन अभी भी अब मैं जितने आई हूँ, जितने काम का मतलब जितने भी कार्यक्रम होंगे, जितने भी फंक्शन होंगे, तो आपको मैं शामिल करूंगी, और आप कंटिन्यू रहिएगा। हल्दी का डबल से होगा, मैंने हल ही हुए थे, सब्जी लग चुकी है, अब जा रही हूँ मार्केट। हम जा रहे हैं मार्केट, अम्मा हमें पसंद की थी हम लोग साड़ी लेने की, मैं यहाँ विदिशा में, मम्मा इधर घर के पास में एक शॉप है,
बहुत अच्छी साड़ियां हैं, हमने ले ली है। हाँ अब चाहिए हो अब। पैसे देंगे, पैसे देंगे यहाँ चल रही है पैरावनी, रेखा दुल्हनिया की तो हो गई चपकी हो रही है। खाना वो लग गया है, हम लोग सजन खा रहे हैं खाना, हम बैठी है, हम बैठे सजन है। एक नई गुड़िया है, इनका नाम बता दी, ये लावण्या से मेहंदी लगवा रही है। गुड़िया नाम बताओ। मेरा नाम योगिता कोरी है। योगिता कोरी है और ये हमारे जीजा जी की लड़की है, मतलब हमारी दीदी की लड़की है और बढ़िया मेहंदी लावण्या लगा रही है, लगी लगाई में लगा रही है, ये हमें बेवकूफ़ बना रही है ये इस लड़की ने हमें बेवकूफ बना दिया, पहले से लगी लगाई मेहंदी लगानी है और जो लगा आ चुकी ना ऊपर बैठ गई है, वो परछाई दिख रही है ना क्यों योगिता? और इन लोगों को देखो जरा ये क्या कर रहे हैं, दिन भर से बस पूरे कपड़ों में हल्दी चिपेड़ के बैठे हैं। खाना खा लिया है और मैं थोड़ी हवा गर्मी लग रही थी तो बाहर आके बैठ गए। रात के बज रहे हैं एक, जीजी ने भी लगा ली मेहंदी, अमन लगाई मेहंदी, लगा ली हमारी अम्मा ने भी मेहंदी लगाई, अमन ने लगा रही है मेरे हाथ में मेहंदी।
मेरा चेहरा हो रहा पसीने पसीने में बड़ी लग रही थी। और बज रहे हैं एक, रात के एक बज चुका है, फिर देर हो गई है। डांस भी देख लिया, कर भी लिया, थोड़ी मस्ती कर ली आज। आज मस्ती हो गई हमारी तो ऐसी के साथ। और कल कुछ और भी कार्यक्रम है, कल शादी है तो शादी में आप लोग सबको शामिल करेंगे। तो आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।